जी नाज़रीन, आप देख रहे हैं सेवन क्लास न्यूज़ और मैं हूं आपकी होस्ट स्पेन से खबर शामिल करते हैं। हमारे नुमाइंदे शाहजेब सहूत्रा की रिपोर्ट के मुताबिक स्पेन की मारूफ समाजी शख्सियत और इंसानी हकूक के अलम बरदार सईद ज़ुल्कर्नैन शाह ने मैड्रिड में फलस्तीन के सफीर मोहतरम हसनी अब्दुलवाद से सफारत खाना फलस्तीन मैड्रिड में मुलाकात की। इस मौका पर पाकिस्तानी एसोसिएशन मैड्रिड के सदर ज़ियाद सईद भी मौजूद थे। सईद ज़ुल्कर्नैन शाह ने मजलूम फलस्तीनी अवाम के साथ इज़हार यकजहती किया और कहा कि पाकिस्तानी कम्युनिटी, स्पेन और पाकिस्तानी अवाम अपने फलस्तीनी भाइयों के साथ खड़े हैं और हर तरह का अखलाकी तआवुन जारी रखेंगे। सईद ज़ुल्कर्नैन शाह ने इसराइली बर्बरियत की मजम्मत की। मुलाकात के दौरान सईद ज़ुल्कर्नैन शाह ने ईसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शील्ड पाकिस्तानी झंडा तोहफा में दिया और पाकिस्तानी झंडे का बैज लगाया, जिस पर सफीर मोहतरम ने खुशी का इजहार किया। सफीर मोहतरम हुस्नी अब्दुल वाहद ने कहा कि बहैसियत मुसलमान एक कौम है और पाकिस्तानी हमारे भाई हैं जो हर मुश्किल वक्त में हमारे साथ खड़े हुए। इन्होंने कहा कि अगर पाकिस्तान किसी मुश्किल का शिकार होता तो हर फलस्तीनी इस मुश्किल पर रंजीदा होता, इस तकलीफ को महसूस करता। इन्होंने हुकूमत पाकिस्तान का भी शुक्रिया अदा किया जिसने फलस्तीन के तालब इल्मों को स्कॉलरशिप दी और वो अपने तालीम मुकम्मल कर रहे हैं। सफीर मोहतरम ने फलस्तीन के मौजूदा सूरत हाल बयान करते हुए कहा कि 95% गजा खंडर में तब्दील हो गया है, हस्पताल तबाह कर दिए गए, 34 हस्पतालों में से अभी 3 हस्पताल काम कर रहे हैं और वो भी सिर्फ एमरजेंसी के लिए। इन्होंने कहा कि पानी नहीं है, बिजली बंद है, जिंदगी रुकी हुई है, कोई वहाँ रहे भी तो कैसे रहे। सफीर मोहतरम ने ज़ुल्कर्नैन शाह का शुक्रिया अदा किया और कहा कि बार्सिलोना में फलस्तीनी कम्युनिटी के साथ मिलकर एहतजाजी मुजाहरे का इनेकाद आपके अपने फलस्तीनी भाइयों से मोहब्बत का सबूत है। इन्होंने कहा कि फलस्तीन के लिए कोई भी प्रोग्राम हुआ, एहतजाज हो, कोई रैली हो, सैयद ज़ुल्कर्नैन शाह सबसे आगे होते हैं। आप देख रहे हैं सेवन प्लस न्यूज़।